वन और टू को सॉल्व किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट इज सो दैट अंडर रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्या रूट फाइव को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताना है। ओके, तो नंबर लाइन आप इससे पहले भी क्लास एट में और क्लास सेवन में पढ़ चुके हैं, और नंबर लाइन पे आपने क्लास सेवन में इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा होगा, कि उन्होंने बोला ये इस तरीके की नंबर लाइन होती है, इसमें कुछ डिवीजन होते हैं, वन टू थ्री माइनस टू माइनस वन माइनस टू। उन्होंने बोला टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो ये टू है नंबर लाइन पे। उन्होंने बोला माइनस वन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो आपने माइनस वन रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या थी, इंटीजर्स। ये आपने क्लास सेवन में पढ़े होते, क्लास एट में आपने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा, मतलब वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, उन नंबर्स को भी आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा। ठीक है, तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया था, रैशनल नंबर को। अब आपको सीखना है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ओके, तो रूट फाइव आपका एक रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है आज हम उसको सीखेंगे। ओके, तो अब आपको पता है कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स मैं दिखाता हूँ स्टार्टिंग में, वो आपके सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, और अंडर रूट फाइव का मुझे पता नहीं कि कहाँ आने वाला है। अंडर रूट फाइव को मैं नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अंडर रूट फाइव आपका एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर का जब मैं डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालूंगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब टर्मिनेट नहीं होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे आज भाई देखिए। तो आप थोड़ा सा नोट करके लिख लेना कि जब भी आपसे बोला जाए टू लोकेट अंडर रूट एन ऑन नंबर लाइन, अंडर रूट एन के फॉर्म में है, एन की जगह कोई भी यहाँ पे इंटीजर होगा, वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर टाइप का। तो जब भी अंडर रूट एन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले आप लोकेट करेंगे, लोकेट अंडर रूट एन माइनस वन ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले किसको दिखाएंगे, एन माइनस वन को नंबर लाइन पे। ओके, तो जब भी अंडर रूट एन के फॉर्म का जो भी क्वेश्चन होगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप सबसे पहले अंडर रूट एन माइनस वन को नंबर लाइन पे दिखाएंगे, वो आपको देगा बेस। क्या देगा, बेस। ठीक है, कैसे करना है देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसी फॉर्म का है सॉल्यूशन, आप अपने यहां से स्टार्ट नोट करके आप इस क्वेश्चन से पहले लिख लेना है कि जब भी इस तरीके के नंबर को दिखाना होगा सबसे पहले एन माइनस वन को दिखाएंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट एन क्या है, अंडर रूट फाइव। तो आपको जब भी इस फॉर्म का है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट एन माइनस वन निकालना है। अंडर रूट एन माइनस वन मतलब एन क्या है यहाँ पे, फाइव, फाइव माइनस वन इट मीन्स अंडर रूट फोर, अंडर फोर की वैल्यू होती है टू। ये आपको क्या देता है, बेस। टू को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑब्वियसली आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, नंबर लाइन पे नंबर्स दिखा दीजिए, जीरो वन थ्री इस तरीके से, इस तरह माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो देखिए इस तरीके जब भी नंबर लाइन बनाओगे उसमें जो नंबर्स लिखोगे आप उनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। या तो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल नंबर्स के बीच का डिस्टेंस सीख सकते हैं, या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप कंपास लीजिए, कंपास में कोई भी रैंडम लेंथ ले लीजिए और उस लेंथ के आर्क लगाते जाइए, तो वो भी आपको सारे नंबर्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टू को दिखाना था, ये रहा टू हमारा, आपको बेस मिल गया। ओके, एक पॉइंट ये हो जाता है, दूसरा पॉइंट आपको टू मिल गया। सपोज करिए यहाँ पे किसी का थ्री आ जाता, मान लीजिए यहाँ पे नाइन आ जाता, तो यहाँ पे थ्री आ जाता, तो थ्री आपका बेस हो जाता। अब इस टू पे क्या करना है आपको, वन यूनिट का, ये आपकी एक यूनिट मानी जाएगी, टू यूनिट मानी जाएगी, थ्री यूनिट मानी जाएगी, तो आपको वन यूनिट का एक टू पर परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर कैसे खींचोगे, आप विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना के जो आप
इस लेंथ को कंपास में लेके यहां से आर्क लगा दीजिए तो आपका वॉल्यूमेट्रिक का हो जाएगा, या फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल भी आप वॉल्यूमेट्रिक का यहां पे लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक, यहां से लेके यहां तक आपको वॉल्यूमेट्रिक का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। इनको नाम दे दीजिए, इसको मैंने ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को जहां पे वॉल्यूमेट्रिक का परपेंडिकुलर खींचा उसको बी नाम दे दिया। आप ओ से बी को ज्वाइन कर दीजिए, ओ से बी को आपने क्या किया ज्वाइन किया, ओ से ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट, कितनी है 2 यूनिट। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ओबी की डिस्टेंस क्या आती है, ओबी की डिस्टेंस क्या आती है। तो यहाँ पे देखिए ओ ए बी एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया और इस ट्राइंगल में ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, इसका मतलब एक ट्राइंगल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती है। अब पाइथागोरस थ्योरम में आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस भी चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो भी 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है, क्या कहलाती है हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर आप चाहो तो इसको मान सकते हो या फिर इसको मान सकते हो, बेस चाहो तो इसको मान सकते हो या फिर इसको मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको। हम इन ट्राइंगल ओ ए बी में बात करते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी या फिर मैं इसे लिख देता हूं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल से तो लगे क्योंकि ओ ए बी में एक एंगल 90 डिग्री का है। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका आपको पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी ओबी साइड, परपेंडिकुलर मैं इसको मान लेता हूं एबी को, आप OA को भी मान सकते, किसी को भी मान सकते, बेस इसको मान लिया मैंने OA को, बेस प्लेस कर दीजिए। ये क्यों लिखा था हमने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। OB की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू 1 यूनिट मतलब दीजिए, OA 2 यूनिट फाइंड आउट करिए। ओ बी इज इक्वल टू होता है आपका 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस 4 5। तो ओ बी का स्क्वायर 5 है, आपको ओ बी की वैल्यू निकालनी होगी स्क्वायर की, तो ओ बी के निकालने के लिए स्क्वायर की साइड चेंज कराओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो ओ बी आ जाएगा अंडर रूट 5। तो ये जो आपका हाइपोटेनियस है इसकी लेंथ कितनी है अंडर रूट 5 यूनिट, कितनी है अंडर रूट 5 यूनिट। ये आपको मिल गया OB, पर आपको ये आपका हाइपोटेनियस है, आपको इस लेंथ को दिखाना था नंबर लाइन पे, हमें यहाँ पे नहीं दिखाना था, कहाँ दिखाना था नंबर लाइन पे। अब आप अपना कंपास उठाओगे, कंपास के एक नीडल को यहाँ पे रखोगे और OB की लेंथ लेके आप लगाओगे आर्क, तो इस तरीके से कोई आर्क लगेगा उसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे तो नंबर लाइन से पॉइंट पे उसको कट कर देगा, तो यहां से ओ से लेके सी तक आपकी क्या हो जाएगा, ये ओ सी और ओ बी आपस में ऊपर हो गया अगर ये रूट पाएगा तो ये भी रूट पाए होगा, क्योंकि ये अगर आर्क है तो ओ बी इस आर्क की रेडियस होगी, ये भी आर्क है अगर तो ओ सी भी एक रेडियस, तो ये भी आर्क की सभी रेडियस आपस में इक्वल होगी, और अगर इसकी लेंथ रूट पाएगा तो ये भी आपका रूट पाएगा, तो सी पॉइंट आपका 500 का होगा। यही आपको नंबर लाइन पे दिखाना था, तो हम एट द लास्ट क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसे नीचे लिखेंगे। ओके, हमने क्या किया, टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर माना एंड एक आर्क ड्रॉ किया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी थी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ बी, ओ बी भी आपने ओ बी इज इक्वल टू
नोट फाइव वो भी कितना था, नोट फाइव विच इंटरसेक्ट, जिसने विच इंटरसेक्ट नंबर लाइन, जिसने नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे, नंबर लाइन एट पॉइंट सी, देयरफॉर OC is equal to root 5. यही तो आपको दिखाना था, नंबर लाइन से रूट फाइव को दिखाना था, आ गया हमारा रूट फाइव इसके बीच में होगा, मतलब दो और तीन के बीच में रूट फाइव की वैल्यू। तो गाइस स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा अंडर रूट एन के फॉर्म का अगर है तो आप अंडर रूट एन माइनस वन निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको बेस मान लेंगे। यहाँ पे इसको बेस मान लिया, इस बेस को सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूं, मतलब इस बेस है 2 यूनिट, हमने 2 यूनिट को दिखा दिया, हर एक यूनिट के बीच में सेम डिस्टेंस रखनी है, ये भी आपको पता है। 2 यूनिट पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको ओ से बी को ज्वाइन कर दिया। अब हमने ओबी की लाइन निकाल ली, ओबी हमारे कितने निकल के आ रहा था, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा दी है। हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखी, हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री के अपोजिट पर कौन सी साइड थी, ओबी, ओबी आपकी क्या होती है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर मैंने बताया, चाहे आप इसको मान लीजिए या फिर इसको मान लीजिए बेस की, या फिर इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, अगर परपेंडिकुलर इसको मान लीजिए तो बेस इसको मान लीजिए, अगर बेस परपेंडिकुलर इसको मान लीजिए तो बेस ओके, हमने वैल्यू प्लेस करी, हमारा ओ बी रूट फाइव निकल के आया, यही हमें चाहिए था, पर ये नंबर हमें नंबर लाइन पे चाहिए था, पर हमारा ये ट्रायंगल के फॉर्म में था, तो हमने इतनी लाइन को कंपास में लिया, ओ को सेंटर माना और एक आर्क ड्रॉ किया जिसने नंबर लाइन के पॉइंट पे कट किया, तो ओ से सी तक की मतलब उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ओ से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस ही आपकी रूट फाइव होगी, क्यों होगी, आपको पता है ओ बी और ओ सी हमारे आर्क की दोनों रेडिएशन हो गई, आर्क की सारी रेडियस आपस में इक्वल होती हैं। ओके तो कैसे किया था, ये आपने पता ही है कि आर्क ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होते हैं, एक तो सेंटर दूसरा रेडियस, तो हमें पता है हमने सेंटर को तो मान रखा, रेडियस को भी के इक्वल लेती होगी रूट फाइव के इक्वल, क्या इसने नंबर लाइन को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, देयरफॉर ओ सी इक्वल टू रूट फाइव, ये आपको नंबर लाइन पे दिखाना था। इसी तरीके के क्वेश्चंस में एक और फॉर्म बन सकता है, जब भी कभी आप रूट एन माइनस वन निकालते हो तो वो हो सकता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर ना आए, उस केस में क्या करना होता है, तो उस केस में जो उस केस में आपको तब तक एन माइनस वन मतलब तब तक माइनस वन करते जाना है जब तक कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ना मिले। सपोज करो यहाँ पे अंडर रूट सिक्स होता, अंडर रूट सिक्स को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता, तो अब आपको पता था कि संजय बताया था कि अगर अंडर रूट एन के फॉर्म का है तो अंडर रूट एन माइनस वन निकाल, मतलब सिक्स माइनस वन निकाल, तो आप कहा था अंडर रूट फाइव, अंडर रूट फाइव को आप डायरेक्टली नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते थे। ओके तो फिर से आप क्या करोगे, इसमें माइनस वन और करेंगे तो आप बन जाएगा अंडर रूट फोर, फोर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो कहने का मतलब है जब तक माइनस वन करते रहिए जब तक कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मिल जाएगा, उतनी यूनिट आप नंबर लाइन पे दिखा दीजिए, उस पर पर यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आपका, अब जैसे रूट सिक्स दिखाना था तो हमने किया टू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, पहले रूट फाइव बनता, क्या बनता, पहले रूट फाइव बनता, रूट फाइव ड्रॉ होता नंबर लाइन पे, फिर आप यहाँ पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, फिर वही वन यूनिट का परपेंडिकुलर, सॉरी इस थ्री पॉइंट पे वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, उसको यहाँ से ज्वाइन करते, तो ये वाला भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता, वहां पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम निकालते, तो ये वाली जो लाइन आती है अंडर रूट सिक्स की आ जाती है, फिर अंडर रूट सिक्स का आप रेडियस लेके आर्क ड्रॉ कर देते, वो भी आपके नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं कट कर जाती है, तो भाई आपकी अंडर रूट सिक्स हो जाती है। इस तरीके क्वेश्चन आपको जब तक कि एक अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है आप माइनस वन करते जाइए। ओके स्टूडेंट, और इस तरीके के क्वेश्चन आप करके देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल ही दिए रहा हूँ, सॉल्व रिप्रेजेंट अंडर रूट 11 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन को सॉरी अंडर रूट 11 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन इट।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू।